गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई विक्रम लिमिटेड है जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा बिफोर टैक्स कॉस्ट, ये देखिए बिफोर टैक्स, डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड इज गिवेन, इक्विटी कैपिटल 8 लाख है जिसका कॉस्ट है 17.5%, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख है 14%, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख है 15%। ठीक है, और है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अलावा 12% डिवेंचर है आपका 2 लाख, 12% लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख, 10% बोला है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, टैक्स रेट 45%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर पे इस टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स सेम होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ लोन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये बिफोर टैक्स है तो इसमें 45% बाद हो जाएगा, तो 55% बचेगा, तो आपका ये कॉस्ट आ जाएगा आफ्टर टैक्स 6.6, और ये 10 है तो ये आ जाएगा आपका 5.5, इसमें से टैक्स बाद हो जाएगा 45%, तो इस टैक्स का रोल इसके ऊपर होगा। बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, ऐसा बोला नहीं है कि बिफोर टैक्स कि आफ्टर टैक्स, जब तक बिफोर टैक्स न बोले तब तक आप बिफोर टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे, ऑलवेज आफ्टर टैक्स। ओके, तो हम लोग का इक्विटी कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रिफरेंस का जो कॉस्ट था वही रह जाएगा, और डिवेंचर और लोन का कॉस्ट चेंज हो जाएगा, इसको आफ्टर टैक्स बना के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। इक्विटी कैपिटल सबसे पहला कंपोनेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है आपका 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस इसका अमाउंट है आपका 5 लाख, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल आपका है 3 लाख। ओके, इसके अलावा 12% डिवेंचर, दैट इज डिवेंचर है, डिवेंचर 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन भी आपका 2 लाख, टोटल 8, 5, 13, 3, 16, 4, 20 लाख। इसको प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर देंगे, टोटल विच टेकन एज 100, 8 लाख, 20 लाख में से 8 लाख 40%, 5 लाख 25, 3 लाख 15, 2 लाख 10, 10, इसको ऐड कीजिए, देखिए आपका 100 आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट दिया हुआ था इक्विटी का 17.5, रिजर्व सरप्लस का 14, प्रीफरेंस का 15। एक बार आप देख लो, ये देखो कॉस्ट कैपिटल देख लो, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ये कॉस्ट देखो बिफोर टैक्स है 17.5, 14 और 15,
इसका जो बिफोर टैक्स होता है वही उसका आफ्टर टैक्स होता है, बिकॉज टैक्स का इफेक्ट इक्विटी प्रिफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए बिफोर एंड आफ्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो था हम लोग वही लिख दिए 17.5, 14 और 15%। बट इन केस ऑफ डिवेंचर, यहाँ देखिए डिवेंचर, डिवेंचर का अमाउंट 2 लाख, लोन 2 लाख, लेकिन इसका कॉस्ट देखिए 12% है और 10% है, ये बिफोर टैक्स है। इसमें 45% टैक्स बाद देंगे, 45% टैक्स बाद देने से 55 बचेगा। इसका 55 होगा 6.6 और इसका 55 होगा 5.5। तो इसको हम लोग यहां लिखेंगे 6.6%, 5.5%। अब इंटू करना है 40 इंटू 17.5%, दैट इज 7। 25 इंटू 14%, 3.5। 15 इंटू 15%, 2.25। 10 इंटू 6.6%, 0.66। 10 इंटू 5.5%, 0.55। इसको प्लस कर देते हैं, थर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स, ये हम लोग का हो गया। देयर फोर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको केओ से डिनोट करेंगे, 13.96%। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट और लोन आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट केडी आफ्टर टैक्स आई 1 माइनस टी, आई आपका था 12%, 1 माइनस 0.45, 6.6%। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लोन भी दिखाई देते हैं। कॉस्ट ऑफ लोन केएल आफ्टर टैक्स आई 1 माइनस टी, आई आपका 10% था, 0.45, 5.5%। ओके, तो यही 6.6, 5.5% लिए थे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहले सोर्स ऑफ कैपिटल विथ बुक वैल्यू अरेंज कर दिए, 20 लाख हुआ, इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट दिया हुआ था इनटू करके प्लस कर दिए, आंसर आ गया 13.96%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।